सुबह रहो, आज को अपनो साप्ताहिक क्रम है हेलो किसान वाणी। एक कार्यक्रम में वर्तमान किसानी की समस्याओं से जुड़े हुए सवालों को लेकर तैयार रहते हमारे सभी किसान भैया हैं, तो आप सभी जनों को कार्यक्रम में स्वागत है। और आज अपने बीच विशेषज्ञ पधारी हैं जितेंद्र सिंह राजपूत, सहायक संचालक कृषि विभाग सागर से, और अनिल शर्मा धागर से। आपको स्टूडियो में बहुत ही बहुत स्वागत है। और लो लेते हैं अपनो जो पहलो फोन। हेलो, हाँ भैया, नाम क्या है आपका? हम बोल रहे हैं ग्राम कुआ खेड़ा। ग्राम कुआ खेड़ा से? हाँ, कमर सिंह राजपूत, विकास खंड महल फोन। हाँ भैया, तो हमारा कार्यक्रम है भैया हेलो किसान वाणी, आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। तो हम जानबो चाहते हैं कि आपकी अब फसलों में कौन सी समस्या आ रही है, या आप हमारे विशेषज्ञों से का समाधान चाहते हो? आज का प्रश्न जो है किसी ने हमारे पीरी पीरी पड़ रही है नेचे से, मारे उनकी पिसी आपकी पीरी पीरी पड़ रही है नेचे से, तो हमारे बीच में आपकी समस्या को समाधान कर रहे हैं राजपूत जी, ले सुनो आप। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इस समय जैसा आपने बताया है कि गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, यदि आपने लेट वैरायटी बोई है जो हम दिसंबर के आसपास में बुवाई करते हैं जिसकी, तो उस समय पर हमारे जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, जिसको हम पोषक तत्वों की कमी कहते हैं, अगर नीचे के पत्ते पीले पड़ते हैं, अगर वो पीली पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पोषक तत्वों की कमी होती है, और जिसमें नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसकी कमी के कारण भी पीली पड़ के पत्तियां जो नीचे की होती है वो पीली पड़ जाती है। तो इसके लिए आपको जो यूरिया है उसका छिड़काव करना आवश्यक हो जाता है, या फिर आप इसके स्थान पर नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर जो पानी है, पानी की कमी से भी फसलें पीली पड़ने लगती हैं। तो यदि पानी की कमी है, सिंचाई अगर आपके पास में है, तो निश्चित तौर पे आपको सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। अब वो क्या है कि आप खेत में है, खेत की परिस्थिति देख लीजिए, मिट्टी सूख तो नहीं रही, नमी पर्याप्त मात्रा में है तो ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि यदि उसमें दीमक लगी होती है तो जड़ें जो है दीमक काटती हैं, और उस कारण से भी इस तरह से फसलों का पीला पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो दीमक के उपाय के लिए हम सबसे अच्छा उपाय होता है क्लोरपाइरीफास नामक दवा होती है, आप इसका अपने खेत में छिड़काव करें तो निश्चित तौर पर दीमक का उपचार हो जाएगा। तीनों कंडीशन आप देख लीजिए कि आपकी क्या कंडीशन है आपके खेत में, और आपके यहाँ यदि कीट व्याधियों का प्रकोप और रोग का प्रकोप नहीं है तो निश्चित तौर पर मानिए कि पोषक तत्वों की कमी है। इसके लिए आप रेगुलर 3 साल में मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं। इस समय पे आप यूरिया अथवा नैनो यूरिया का उपयोग करें। अगर आपकी फसल काफी ज्यादा हो गई है, फूल की अवस्था पे आ गई, पहले की बुवाई है, तो आप एनपीके जो घुलनशील उर्वरक है उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो देखो कमर सिंह भैया, निश्चित रूप से आपकी समस्या को समाधान हो गया है कि अगर आपकी पीसी में पीलोपन है तो आपको काका करने नैनो यूरिया को छिड़काव करने हैं। दूसरी बात हमारे विशेषज्ञ राजपूत जी ने बताई कि अगर पानी मांग रही है फसल तो अपन को पानी भी देना है, संग अगर फंगस है तो ओके लाने भी अपन को का डालना है। तो निश्चित रूप से आपकी समस्या को समाधान हो गया है कमर सिंह भैया। हेलो। हेलो, हाँ भैया, कार्यक्रम है हेलो किसान वाणी। राजपूत। हाँ ऋषभ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ग्राम कुआ खेड़ा से। आपका प्रश्न लेके आए हो हमारे कार्यक्रम में? मसूर हमारे मचा है, वो लाल लाल कर रही है। अच्छा, मसूर की फसल में आपके लालामी आ रही है। तो लो हमारे बीच में उपस्थित हैं जितेंद्र सिंह राजपूत जी, सहायक संचालक कृषि, आपको जानकारी दे रहे हैं। आपकी जो मसूर है पेंच में, जैसे अगर एक हम धब्बे बोल सकते हैं कि खेत में एक पर्टिकुलर पेंच में आपके ये मसूर लाल पड़ रही है या वो कट रही है क्या? एक बार पौधों को उखाड़ के देखिएगा, अगर उसकी जड़ें आपको कहीं से इन्फेक्टेड, खास करके जब पौधों को आप जड़ों के पास से आप उखाड़ेंगे और वो आसानी से निकल आएगी, और उसको जब दो भाग करके देखेंगे, चीर के देखेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको पता पड़ जाएगा कि उसको देखने पे वो स्वतः ही उसका रंग काफी कहेंगे कि डल हो जाएगा, है ना। और एक स्वस्थ पौधे की जड़ है, उसका जड़ बहुत सफेदी लिए हुए होता है और ये पीला टाइप का धूसर हो जाती है इसकी जड़ें। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो निश्चित तौर पे मानिए कि ये जो है विल्ट के लक्षण हैं। तो अगर, और दूसरा एक चीज और बता दूं कि अगर आप पौधे को उखाड़ेंगे और
ऊपर से पौधे और तने के बीच में अगर कोई कट दिखाई देता है तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर नेमेटोड का भी प्रकोप हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसमें आपकी जो फफूंद है वो भी लगी हो सकती है। तो किसान भाइयों, मसूर में ये समस्या हमेशा आती है, खासकर बुंदेलखंड रीजन में, कि हम क्या है एक ही खेत में लगातार एक ही फसल लेते रहते हैं, तो उस खेत में हमारे यहाँ पर उसी प्रकार के कीट, व्याधि, रोग रिपीट होते रहते हैं। इसलिए हमें पहला काम तो ये करना है कि आगामी समय में कभी भी हमें फसल को एक सी नहीं बोना, रिपीट कर, मतलब जैसे इस बार आपने मसूर बोई है तो अगली बार जो है आप दलहन फसल को छोड़ करके आप कोई भी धान्य फसलें ले सकते हैं, जैसे कि उसमें गेहूं ले सकते हैं या जौ ले सकते हैं, और इसको हम फसल चक्र बोलते हैं। तो अगली बार ध्यान रखिए कि आप फसल चक्र अपनाने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि कभी भी बीज को बिना उपचार किए नहीं बोना चाहिए, आप फफूंदनाशक से बीज का उपचार कर लीजिए तभी बुवाई करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका विल्ट है या उकटा बोलते हैं हम जिसको, इसका जो है खड़ी फसल में समाधान करना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर वर्तमान में आपके फसल काफी ज्यादा प्रभावित हो गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितनी फसल है उसको बचाने के लिए आप जो है बाजार से अच्छे फफूंदनाशक डाल सकते हैं या सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मिट्टी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिट्टी का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको कम से कम 25 से 30 किलो गोबर की खाद अच्छी और उसमें कम से कम 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा बिरडी आप मिला लीजिए और उसको 6-7 दिन तक रख दीजिए, और जैसे ही वो पूरे में फैल जाए ट्राइकोडर्मा बिरडी आप उसको अपने खेत में डाल दीजिए। ये चूंकि लंबी प्रोसेस है, 6-7 दिन लग जाएगा, लेकिन आजकल ट्राइकोडर्मा बिरडी लिक्विड फार्म में भी आ रहा है, तो आप इसका जो है पानी के साथ मिला करके डायरेक्ट खेतों में, खासकर आपको इसको जड़ क्षेत्र में देना है तो आप इसको जड़ क्षेत्र में छिड़काव करें, निश्चित तौर पे आपके जो बचे हुए पौधे हैं वो बच जाएंगे। और एक कंडीशन जैसे कि यदि हमारे यहाँ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी क्या है कि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन भी कम होते जा रहा है मिट्टी में और साथ ही पोषक तत्वों की मात्रा भी कम होते जा रही है, इस वजह से यदि है तो मैं बता रहा हूँ कि 3 साल में आपको मिट्टी का परीक्षण तो कराना ही कराना है। इसके अलावा आपको अभी खड़ी फसल में जो घुलनशील उर्वरक होते हैं एनपीके, इस समय घुलनशील पोटास की, उसकी आप छिड़काव करें तो न्यूट्रिएंट की कमी भी आप पूर्ति कर सकते हैं। तो ऋषभ जी, निश्चित रूप से आपकी समस्या को समाधान भाओगे। हेलो, हाँ भैया, कार्यक्रम है हेलो किसान वाणी, आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। नमस्ते भैया। नमस्ते, पहले तो भैया आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं ग्राम बिजोरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से मैं गोल कुमार बोल रहा हूँ। हमारे पेशने हमारे यहाँ सेम लगी हुई, उसमें माहू लग रही, तो उसमें बताई ताकि माहू ना लगे। आपकी सेम के जो फसल है कितने दिन से जी माहू को प्रकोप हो रहा है? बीच में जब ठंडी सी पड़ गई ना तो मैं पकड़ रही माहू, जो पत्ती को भी हमने प्रयोग करो तो जो नीम पत्ती बोला था ना आप लोग, हाँ, तो वो भी छिड़काव करो तो पर उसे कोई मतलब ही नहीं निकलो। अच्छा, फूल के बाद माहू लगी है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बीच में विशेषज्ञ जी पधारे हैं और आपकी समस्या को समाधान दे रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर आप इस समय माहू के लिए मैं कोई भी दवाई बताता हूँ, जैसे है बहुत सारी मार्केट में है, जैसे कि इमिडाक्लोरपिड है, एसीटामिप्रिड है, इस तरह की जो दवाई है माहू पे आप डाल सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपकी फलियां भी लग रही हैं, फूल की भी अवस्था है, तो मान लीजिए आप दवाई डालते हैं, है ना, और उसका जो भी पीरियड होता है उसका हम रेसिड्यू इफेक्ट जब तक रहता है अगर वो खत्म नहीं होता उसके पहले आप तोड़ाई करेंगे और मार्केट में बेचेंगे तो निश्चित तौर पे जो है मानव स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए जो आपने नीम का जो आपने बताया कि आपने प्रयोग किया है, लेकिन आप नीम का अर्क ना करके आप नीम ऑयल का उपयोग कीजिए। मार्केट में नीम ऑयल मिलता है और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिला लीजिए तो जिससे वो आपका पौधे पे चिपक जाएगा, क्योंकि माहू बहुत कमजोर होता है, वो आसानी से उसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो आप ये जो है घरेलू उपाय कीजिए। और एक चीज और बता दूं सभी किसान भाइयों को, अगर हम माहू के ऊपर राख भी छिड़क देते हैं गीली करके, अगर स्प्रे पंप में घोल करके और छान करके कि वो हमारी नोजल ब्लॉक ना हो, जब वो माहू पे पड़ती है और वो सूखती है ना तो उसकी त्वचा तक फट जाती, बहुत कमजोर कीट होता है। तो इस तरह के उपाय करके हम माहू से नियंत्रण भी पा सकते हैं और दूसरा मानव स्वास्थ्य पे जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उससे भी बचा जा सकता है। धन्यवाद गोलू जी, आपने हमारे हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में फोन लगाया।
दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, ललित बसंती आने लगे, दिन ललित हरे पात्र पिए दान लगे, हाँ हरे पात्र पिए दान लगे, दिन ललित बसंती दान लगे, दिन ललित बसंती दान लगे, दिन ललित बसंती लगी छिन पे छिन रजनी, ढलन लगी छिन पे छिन रजनी, ढलन लगी छिन पे छिन रजनी, ढलन लगी छिन पे छिन रजनी, रवि के रथ ठहरान लगे, हाँ रवि के रथ ठहरान लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, आमन मोरे मोर के रे गए, आमन मोर मोर के रे गए, आमन मोर मोर के रे गए, आमन मोर मोर के रे गए, मोर भंवर मड़े रान लगे, हाँ मोर भंवर मड़े रान लगे, ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लगे, ऐसे में गंगाधर मोहन, गंगाधर मोहन, ऐसे में गंगाधर मोहन, ऐसे में गंगाधर मोहन, कौन सोत के कान लगे, हाँ कौन सोत के कान लगे, दिन ललित बसंती कान लगे, दिन ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लगे, हरी हरे पात्र पिए दान लगे, हाँ हरे पात्र पिए दान लगे, दिन ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लगे। हेलो, हेलो सर, हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आपको बहुत ही बहुत स्वागत है भैया। नमस्ते भैया, कहाँ से बोल रहे भैया आप? तो राम बिलन भैया, हम जानबो चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम में आप हमारे विशेषज्ञों से का सुझाव चाहते हो, आपकी क्या समस्या है? जो मैंने भी पता लगाया थोड़ी सी पता में कुकरा बनाना हो, इल्ली लगी है बहुत ज्यादा। अच्छा, भट्टा में कुकरा आ रहा है? हाँ, इल्ली खराब ही हो रहा है सर, ये पड़ने का फूल रहा है ज्यादा। अच्छा,
आपकी समस्या को समाधान दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ शर्मा जी। बटाटी फसल कितना समय हो गया लगाए हुए? कम से कम फूल फूल भी झर रहा है और उसमें कीड़ा भी लग रहा है। तो इसके लिए जैसे आपका कुकड़ा लग रहा है, जो वायरस बीमारी है, वायरस के कारण होता है, जिसमें पत्ते अपने आप सुखड़ जाते हैं और सूखने लगते हैं और उसमें फूल झड़ने लगते हैं, तो वायरस के कारण हो रहा है। इसके लिए आप इसका दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, कीटनाशक दवाई जो मार्केट में मिलती है, जिससे आपकी इल्ली का कंट्रोल हो जाता है। कोई भी कीटनाशक दवाई है जो कीड़े मारने वाली दवाई रहती है, जैसे क्लोरोपारीफॉस है या इमाक्लोप्रेड है, इस तरह की दवाइयों का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके कीड़े का कंट्रोल हो सकता है। साथ में एक जो उगड़ा लग रहा है, वायरस लग रहा है, उसके लिए एक फंजीसाइड की दवाई का एक साथ में दोनों कंपोनेंट एक ही दवाई में मिलते हैं, फंजीसाइड प्लस कीटनाशक, फफूंदनाशक और कीटनाशक दोनों दवाइयों का एक ही उसमें रहते हैं कंटेंट, तो इसका आप स्प्रे कीजिए, जिससे आपका कुकड़ा भी कंट्रोल हो जाएगा और आपका इल्ली की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। और पौधे की ग्रोथ के लिए आप फूल झड़ रहे हैं उसकी बढ़वार के लिए आप जैविक उपाय बिना पैसे के घर में भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई लागत नहीं लगती है। ये दवाई ऐसी जैविक दवाई है, तो उसके लिए आप देसी दवाई है जो घर में तैयार कर सकते हैं। और सभी सब्जी वाले जो भी प्रजाति लगा रहे हैं आप सब्जी की, चाहे बैगन हो, मिर्ची हो, सेम हो और फसल हो, उसमें डाल सकते हैं। हाँ हाँ, राजकाट कितनी एरिया में लगाए हो आप? सर हम लगाए हैं एक पुड़िया लगाए हैं हमारे किधर लोग 20x20। हाँ हाँ, तो उसमें एक छोटे से बर्तन में आप जीवा अमृत का जो देसी दवाई है वो घर में तैयार हो जाती है, और उसमें आप अपने भट्टे में और भट्टे के अलावा जो भी फसल लगाए उसमें भी आप डाल सकते हैं। और हम इसका जो आवश्यक सामग्री लगती है उस सामग्री का हम नाम बता रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए। जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले आप ताजा गोबर लीजिए, 5 किलो गोबर, आधा किलो ऐसे पेड़ के नीचे की मिट्टी जहाँ पर कोई केमिकल दवाई का स्प्रे नहीं किया गया हो, वहाँ पेड़ के नीचे की आप मिट्टी ले लीजिए, गौमूत्र ले लीजिए आप 1 लीटर, और 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम बेसन, इन सारे चीजों को लेकर एक 20 लीटर का बर्तन, 25 लीटर के बर्तन में इन सारी चीजों को घोल लीजिए। और ये घोलने के बाद जैसे ही आपने 25 लीटर पानी भर दिया और ये सारी चीजें डाल दी, उसको 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद रोज सुबह शाम इसको हिलाना है, छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना है। 7 दिन के बाद आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। इसमें लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में लाभदायक जीवाणु पैदा हो जाते हैं, ये आपकी पौधों की बढ़वार करते हैं। दूसरा, आपका जो फल झड़ रहे हैं, फल का साइज बढ़ाएंगे, झड़ना बंद हो जाएगा। दूसरा, फूलों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पैदा हो जाएगी। तो देसी दवाई है आपका, इसमें पैसा कुछ नहीं लग रहा है, पेड़ के नीचे की मिट्टी है, 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम बेसन, किसी भी दाल का चल सकता है आपका, उड़द की दाल है, चना की दाल है, इनका बेसन आप डाल सकते हैं, और मिठास के लिए आप गुड़ डाल दीजिए, और 7 दिन में आपका ये तैयार हो जाएगा। कोई भी फसल में इसका उपयोग करेंगे, निश्चित तौर पर आपका बैंगन का साइज भी बढ़ जाएगा और उत्पादन 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो राम मिलन भैया, आपकी समस्या को समाधान भाव, और समाधान दे रहे थे हमारे अनिल शर्मा जी। के अब दिन आए बसंत बहार, के अब दिन आए बसंत बहार, आए बसंत बहार, के अब देने आए बसंत बहार, के अब देने आए बसंत बहार। फागुन मास जिनी के लागे फर फर चलत व्यार, फागुन मास जिनी के लागे फर फर चलत व्यार, फूले के सुफूली सरसों, फूले के सुफूली सरसों, फूल रही फुलवार, के अब देने आए बसंत बहार, के अब देने आए बसंत बहार, के
आए बसंत बहार के अवदने, आए बसंत बहार के अवदने, आए बसंत बहार के अवदने, आए बसंत बहार। अरे फसल पिरानी लगत सुहानी, दिन रुत बदलत जाए, फसल पिरानी लगत सुहानी, दिन रुत बदलत जाए, मऊआ पात लगे पीराने, मऊआ पात लगे पीराने, छोड़त अपनी डार के अब दिन, आए बसंत बहार के अब दिन, आए बसंत बहार। आए बसंत बहार के अब देने, आए बसंत बहार के अब देने, आए बसंत बहार के अब देने। सूखन लागे ताल तलैया नदिया सूखी धार, सूखन लागे ताल तलैया नदिया सूखी धार, अरे मन पंछी पिंजड़ा के भीतर, मन पंछी पिंजड़ा के भीतर, शीतल करत विचार के अब दिने, आए बसंत बहार के अब दिने, आए बसंत बहार के अब दिने, आए बसंत बहार। हेलो। हेलो भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया, कार्यक्रम है हेलो किसान वाणी, ग्राम तिजोरा से राधे अहिरवार बोल, आपको स्वागत है। मैंने जो मैं मसूर भी है तो अभी तक उसमें फूल तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मगर वो अभी तक फल नहीं दे रही है, थोड़ी थोड़ी फूल आ रहे हैं, बस फूल बस आ रहे हैं, फल की अभी कोई आता नहीं, फल नहीं लग पा रहे हैं, फूल झड़ तो नहीं रहे हैं। नहीं मैम, थोड़ी झड़ने की तो अभी नहीं है संभावना, मानो क्या है थोड़े थोड़े पेड़ सूखने लगे हैं, मतलब फल नहीं बन रहे हैं। ठीक है भैया, आपकी समस्या को समाधान हमारे दे रहे हैं विशेषज्ञ जितेन सिंह राजपूत जी। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि अभी बताया कि फूल आपकी मसूर में आए हैं लेकिन फलियां नहीं बन रही हैं। देखिए वैरायटीज जो होती हैं अलग अलग होती हैं, आपने कौन सी वैरायटी लगाई है उस पर निर्भर करता है ना। तो आप निश्चित तौर पर अगर आपने अच्छी प्रमाणित बीज लगाया होगा तो आगामी समय में आपकी जो फूल है उसे फलियां अवश्य बनेगी। इस समय पे अगर आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट या मैं बार बार पोषक तत्वों की बात करता हूँ कि पोषक तत्वों की कमी है तो आप जो है जो घुलनशील हमारे एनपीके है ना, आप उसका छिड़काव करें जिससे कि आपकी पौधों में जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो जाएगी और समय पर आपके फूल और फलियां आएंगे। और जैसा भी आपने साथ में बोला है कि कुछ मसूर है वो उगर रही है और कट रही है, तो ये जनरली फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद होती है उससे होता है। तो जहां जहां अगर बहुत कम मात्रा में है, इक्का दुक्का पौधे आपको इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, उनको अपने खेत से निकाल करके बिल्कुल अलग कर दीजिए, बिल्कुल मोहना रखिए उसके लिए और उसको अलग कर दीजिए, अन्यथा क्या होगा कि उससे दूसरे पौधे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और अभी सिंचाई फूल की समय पे बिल्कुल ना करें, मेरी जो सलाह है, क्योंकि फूल आने के समय पे यदि हम सिंचाई करेंगे तो विल्ट का भी प्रकोप बढ़ेगा और साथ ही हमारे फूलों की झड़ने की समस्या भी हो जाती है। इसलिए थोड़ा जब फूल की अवस्था खत्म हो जाए और फलियां बनना चालू हो जाए उस समय पे आप सिंचाई करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो प्रोडक्शन है अच्छा होगा और बढ़ेगा। टमाटर लगे हुए हुआ है, हाँ तो उसमें सब फल होते हैं मगर अपनी
खराब हो जाते हैं, ऐसा कोई उपाय बताएं? देखिए, अगर टमाटर में फलों की केयरिंग करना है तो स्टैकिंग करना पड़ेगा आपको, जो है उसको जमीन से ऊपर उठा के रखना पड़ेगा। आप उसके लिए बाकायदा खड़ी खूटियां गाड़ लें और खूटियों पे उसके पेड़ को चढ़ा दें, या कभी भी टमाटर या सब्जी वाली फसलों को लाइन से ही बोएं, जिससे कि हम आसानी से एक खूंटी इस तरफ गड़ाएं, दूसरी खूंटी उस तरफ गड़ाएं, दोनों खूंटियों को बीच में तार अथवा रस्सी का उपयोग करें जिसपे वो पौधों को आप चढ़ा दें। जमीन के संपर्क में कोई भी फल आएगा तो निश्चित तौर पर वो खराब होगा, तो आप स्टैकिंग का उपयोग करें। हेलो, बिल्कुल, हेलो किसान वाणी भैया, आप अपना नाम बताएं भैया। अंबिका प्रसाद उपाध्याय रतौना से बोल रहा हूँ। हमारा खेत खाली हो गया है, धना मेथी वगैरह सब कट गए हैं, तो इसमें कौन सी फसल लगाएं अभी, और ध्यान कीजिए। भैया हमारे बीच में पधारे हैं अनिल शर्मा जी, बता रहे हैं आपके लाने कि खाली खेत में अब आप कौन सी फसल लगाएं? सब्जी लगाने का प्लान है कि और कुछ कौन सी फसल लगाना चाह रहे हैं? जो जल्दी आ जाए, मतलब ऐसे के पौधन के। जैसे आप अभी जैसे खेत खाली हो गया है तो आप भिंडी का बीज लगा सकते हैं, जिससे क्या है समय पे आ जाएगी आपकी भिंडी और उसका रेट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो आप भिंडी का बुवाई कराइए और अच्छी प्रमाणित बीज का उत्पादन अच्छा है, और जो मार्केट में आपके यहाँ किस टाइप की भिंडी चलती है उस टाइप के भिंडी का बीज का चयन करें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी मार्केट में अच्छा भाव मिल जाए। तो अंबिका प्रसाद जी, खाली खेत में आप का लगाएं, बहुत अच्छे से बता दी हमारे अनिल शर्मा जी ने। हेलो, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम है अपनो, हेलो किसान वाणी, और आपको बहुत ही बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। भैया अपनो नाम बताएं। हाँ, सलमान बुल्ला चंदमल से। अच्छा भैया, तो बताएं आपकी क्या समस्या है? हमने नींबू के पेड़ लगाओ थे। अच्छा, फल नहीं रहा है अपने। नींबू को पेड़ लगाओ है आपने, फल नहीं रहो, कितने साल से लगो है? तीन साल को होगा। 3 साल को होगा है। अच्छा, तो लियो आपको बता रहे हैं हमारे शर्मा जी के नींबू को पेड़ नहीं फर रहा, तो आप कौन से उपाय अपनाएं? आपका नींबू का पेड़ कितने साल पुराना? 3 साल पुराना है बता रहे हैं आप। अच्छा, तो कौन सी जगह लगा हुआ है, खेत की मेड़ पे लगा हुआ है या कहाँ लगा हुआ है आपका पेड़? मेड़ पे लगा है। मेड़ पे लगा है, वहाँ पानी का कैसी व्यवस्था है आपकी? डायरेक्ट पानी जा रहा है कि आप पानी डालते हैं उसमें? नहीं, पानी डालते हैं। पानी का मतलब ये है कि ऐसी जगह तो नहीं लगा है कि जिसमें बराबर पानी जा रहा है कंटिन्यू? के लिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो पेड़ के चारों तरफ एक एक फुट का राउंडिंग में थाला बनाइए। थाला का मतलब है गोल घेरा बनाइए और 1 फुट गहरे उसकी मिट्टी को पूरा खोद के भुरभुरा कर दीजिए, उसमें गोबर की खाद पची हुई डालिए, तो आपका निश्चित तौर पर ही नींबू फल देना चालू कर देगा। इसके साथ साथ एक काम और कीजिए, जो छोटी छोटी मछलियाँ, वो भी आधा किलो मछली लीजिए, गोबर के साथ में मिक्स करके उसमें डाल दीजिए, तो आपका निश्चित तौर पर नींबू का पौधा है फल देना स्टार्ट कर देगा। तो देखो किसान भैयारो, अनिल शर्मा जी के बताए गए ये सुझाव से आपकी नींबुआ निश्चित रूप से फलने लगे। और अब आज के कार्यक्रम को समय होते है, सो कार्यक्रम में विशेषज्ञ हते जितेंद्र सिंह राजपूत सहायक संचालक कृषि विभाग सागर से, अनिल शर्मा जिला समन्वयक सागर से, बहुत ही उम्दा जानकारी किसान भैयारों को मिली, निश्चित रूप से वे लाभ प्राप्त करें। और बतकाव कर रहे थे हम आपकी बहन रामकुमारी, एक ही संगे कार्यक्रम से विदा लेते हैं। राम राम।